संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महासफाई अभियान की शुरुआत की गई है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने गांव बिहोली से इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उपायुक्त के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उपायुक्त मुकुल कुमार ने स्वच्छता अभियान को लेकर अपने जीवन का अंग बनाने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास है। मुकुल कुमार ने लोगों से कोरोना वैक्सीनेशन का अनुरोध भी उपस्थित जनसमूह से किया। कि आज से पूरे प्रदेश में महासफाई अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती 16 तारीख को है, उसको सतत करने के लिए, उसको एक श्रद्धांजलि पूर्वक मनाने के लिए इस पावन कार्य को आज आगाज किया जा रहा है। मैं पहले भी आपके गांव में आया था, कुछ समय पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव का भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, तो उसमें आकर भी मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ था। और उस वक्त भी मैंने देखा था आपका ये स्कूल और पूरा गांव ही बड़ा ही आदर्श और मॉडल है। मुझे बताया गया कि 10 साल पहले आपको भी राष्ट्रीय स्तर पर निर्मल गाँव का पुरस्कार मिला था, तो मेरे को इसकी आज ही सूचना प्राप्त हुई, तो मैं आपको बधाई देता हूं। और आने वाले समय में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सफाई अभियान को लगातार जारी रखें, कोरोना की कोविड की वो जरूर लगवाएं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे पात्र व्यक्ति हैं, अब तो 15 साल से ऊपर ही पात्रता बन गई है, तो 15 से 18 साल और 18 से ऊपर जितने भी हैं, जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं और जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करें। प्रदेश के अंदर महासफाई अभियान की शुरुआत की गई है, उसके तहत आज गांव बिहोली में मैंने भी यहां स्वच्छता कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं। और वैसे भी गांव में काफी सफाई है, उसके साथ साथ मुझे आश्वस्त किया गया है कि आने वाले दिनों में और भी सफाई को इसको प्रशस्त किया जाएगा। और उसके साथ साथ आज मैंने डेवलपमेंट वर्क भी देखे, यहाँ BDO ऑफिस की नई बिल्डिंग बन रही है, तो काम चल रहा है, तो शीघ्र ही इसको बता रहे हैं कि 6-7 महीने पूरा कर लिया जाएगा।